हेडलाइट जो है भाई को पीला हो गया है, 8 से 10 रुपया खर्च आएगा और आपका हेडलाइट नया जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये यमहा कंपनी का बाइक है, चाहे आपके पास यमहा का बाइक है, हीरो का है, टीवीएस का है, फिर बजाज का है, आप कभी ना कभी बाइक के अंदर हेडलाइट देखा होगा। हेडलाइट के ऊपर देखिए यहाँ पे होता क्या, कुछ दिन के बाद बाइक के हेडलाइट के ऊपर पीलापन लग जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हेडलाइट जो है बाइक का पीला हो गया है, किस तरह से देखने में पीला लग रहा है। अगर आप नॉर्मल फ्रंट से देखिए तो बाइक का हेडलाइट पीला लगेगा, पीलापन पड़ जाता है ऊपर से। इसको कैसे रिमूव करना है, किस तरह से इसको सही करना है, अगर जैसे ही बाइक का हेडलाइट अगर पीला हो जाएगा तो आपका बाइक जो है सो रोशनी प्रॉपर नहीं देगा, बाइक का रोशनी में डिफरेंट होगा, आपका लाइट प्रॉपर अच्छा नहीं रहेगा। अगर इसी का जगह हम दूसरे बाइक का हेडलाइट का बात करें तो देखिए यहाँ पे हीरो का एक बाइक है, उस बाइक का यहाँ पे हेडलाइट आप देख रहे हैं कितना चमचमाता धमचमाता है, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है हेडलाइट, बल्कि जबकि ये बाइक काफी पुराना है। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी हेडलाइट पुराना नहीं लग रहा है। जस्ट इसके बगल में देख रहे थे एक यमहा बाइक है, उसका हेडलाइट काफी पुराना लग रहा है, बिल्कुल हेडलाइट के ऊपर पीला पड़ गया है। तो इस पीलापन को कैसे रिमूव करना है अपने घर पर खुद से, इसमें आपको सिर्फ 5 से 10 रुपया खर्च आएगा और आपका हेडलाइट नया जैसा हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए 3 चीज, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज लेना, ये आपके घर पे भी उपलब्ध है। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको ले लेना है एक नींबू लेकर के नींबू को कट कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए नींबू लेकर के नींबू को इस तरह से आप कट कर लेना, आप कोई भी चीज़ से नींबू को कट कर सकते हैं। नींबू है देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया यहाँ पे। अब इसको करना क्या है, नींबू के अंदर से बीज को निकाल लेना, यहाँ से बीज को निकाल ले। अब यहाँ पे थोड़ा दिख रहा ना, देखिए हेडलाइट के ऊपर देखिए इस तरह से आपको लेप कर देना है। इस तरह से हेडलाइट के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आपको लेप करना है, हम देसी जुगाड़ बतला रहे हैं। लेप करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट आपको छोड़ देना है, 4 से 5 मिनट तक हम वेट कर लेते हैं। देखिए नींबू के अंदर काफी मात्रा में केमिकल सब पाया जाता है इस, और ये काफी खट्टा भी होता है। खट्टापन देखिए हम लोग नॉर्मल घर में देखिए खट्टापन से बहुत दाग धब्बे छूट जाते हैं, नींबू के अंदर बहुत मात्रा में केमिकल सब पाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए 4 से 5 मिनट हम वेट कर लिए, वेट करने के बाद फिर से क्या करेंगे, नींबू लेकर के हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से लेप करेंगे। चाहे आपके पास बाइक हो या फिर चाहे 4-व्हीलर हो, इन सभी गाड़ी में आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम इस हेडलाइट के ऊपर नींबू से लेप कर रहे हैं, तो नींबू के अंदर काफी मात्रा में केमिकल सब पाया जाता है और ये काफी खट्टा हो जाता है। इसके प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी दाग रहता है लगा हुआ, जो भी पीलापन है टोटल आपको रिमूव हो जाएगा कुछ देर आस्ते आस्ते इस तरह से लेप करने से। उसके बाद आपको लेना है कोई भी आप कोलगेट ले लीजिएगा इस तरह का। अब कोलगेट से इस तरह से हेडलाइट के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आपको इस तरह से लेप करना है। देखिए बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा आपके बाइक का हेडलाइट, बाइक है या चाहे आपके पास 4-व्हीलर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर लेप करने के बाद आपको एक फ्रेश सूती का तावल ले लेना है, तावल के ऊपर इस तरह से तो आपको कोलगेट ले लेना है, थोड़ा टूथपेस्ट ले लेना है, आप इसको टूथपेस्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके इस पर लेप करना है। इसके ऊपर हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके लेप कर रहे हैं, थोड़ा कस के आपको दबाव डाल के इसके रगड़ना है। ज्यादा कस के नहीं, दबाव डाल नहीं तो टूट जाएगा अंदर का लॉक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक गिलास आपको पानी लेना है, लेने के बाद आपको इसको अच्छा से वॉश कर लेना है। देखिए अभी थोड़ा ही वॉश हुआ और देखिए देखने में कितना चमकता धमकता लग रहा है, जो भी इसके ऊपर पीलापन लगा था टोटल रिमूव हो गया। चलिए इसको अब हम अच्छा से वॉश कर लेते हैं। देखिए पहले से अभी देखिए पहले कितना पीला लगा था, अभी देखिए हेडलाइट का जो ग्लास है कांच है देखिए अब कैसे नया जैसा लग रहा है। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको एक नींबू लेना है, नींबू तो अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, फिर से एक नींबू लेकर के उसी तरह से इस पर लेप करना है। तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस देसी जुगाड़ का यूज करके अपने बाइक का हेडलाइट को पीलापन से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि देख रहे कितना ज्यादा पीला लगा है।
नींबू को यूज करने के बाद उसके बाद आपको लेना है एक शैम्पू, चाहे तो कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। शैम्पू से इसको अच्छा से इस तरह से आपको वॉश करना है। फिर से आपको देखिए इस तरह से हमने लेप कर लिए, इस तरह से हमने लेप कर लिए, फिर उसी तरह से एक सूती का तावल लेकर के इसको अच्छा से वॉश करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स चल जाओ, हम इसको पानी से नॉर्मल अपने वॉश कर लेते हैं। अब देखिए जो भी हेडलाइट के ऊपर पीलापन था, टोटल पीलापन यहाँ से रिमूव हो गया। अब देखने में देखिए बिल्कुल नया लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब देख लें कि किस तरह से हम देसी जुगाड़ का यूज करके बाइक का हेडलाइट का पीलापन रिमूव कर दिए। अब आपका बहुत बाइक का 1000 रुपये का भी हेडलाइट आता है, बहुत बाइक का 500 का आता है, बहुत बाइक का 1400-1500-2000 का भी आता है। तो आप इस तरह से 1000-1500-1400 रुपया खर्च नहीं करके सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया खर्च करके बाइक का हेडलाइट का पीलापन छोड़ा सकते हैं, सेट कर सकते हैं।